ठीक है। अब प्राइमरी स्ट्रैंड ब्रेकर का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, प्राइमरी क्या है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम डीएनएस कॉन्फिगर करेंगे तो उसके टाइप सेकेंडरी तो नहीं आप रख सकते ना, सेकेंडरी को उसी सोर्ट आप कॉन्फिगर करेंगे या उसको भी प्राइमरी है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम कॉन्फिगर कर रहे हैं तो उसके टाइप पे कर रहे हैं प्राइमरी जोन, ठीक है। अब प्राइमरी जोन और एक टाइप के आगे एक सेकेंडरी जोन, सेकेंडरी जोन क्यों कॉन्फिगर किया जाता है कि हम कहते हैं कि एक से ज्यादा डीएनएस सर्वर लगा दीजिए, अगर कोई उदाहरण सर्वर को कुछ होता है तो एज इट इज डाटा बेस जो है उसे सर्वर रूम आस पास पड़ी, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अगर एक और सर्वर आप कंफ्यूज करते हैं उसके बेटा क्या कर देते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर अगर सिर्फ और सिर्फ उस जोन की टाइप आपने क्या रखी हुई ओनली प्राइमरी, क्या रखी हुई है सिर्फ प्राइमरी, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्राइमरी भी हो सकती है, ये नीचे जो चेक है इसको खत्म करना पड़ता है, ठीक है। ओनली प्राइमरी, प्राइमरी में क्या है कि प्राइमरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, प्राइमरी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का है कि उसमें जो है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, और उसको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं सिंगल मास्टर। सिंगल मास्टर का कॉन्सेप्ट कैसे है कि अगर ऊपर एक प्राइमरी है, अगर यहाँ पे डेटाबेस के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, तो एंट्री वो नीचे पुश करने की कैपेबिलिटी कर, क्योंकि ये जो प्राइमरी जोन है, प्राइमरी जोन राइटेबल और रीडेबल दोनों के एक्सेस के पास है, जो सेकेंडरी है ये ओनली रीडेबल होता है, प्राइमरी राइटेबल एंड रीडेबल, सेकेंडरी ओनली रीडेबल। सेकेंडरी के अंदर आप कोई एंट्री खुद भी पुट कर सकते हैं, वो किसका मोहताज रहता है हमेशा, वो हमेशा प्राइमरी का मोहताज रहता है, ये सब नहीं करना पड़ता है। उसको करना पड़ेगा, हाँ बहुत मैनुअली करना पड़ता है, यहाँ पे ऑप्शन में